नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना का हुआ शुभारंभ। प्रखंड के अंतर्गत डुमरिया गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना प्रशिक्षण केंद्र का प्रारंभ किया गया। मौके पर उपस्थित डुमरिया पंचायत के मुखिया पति प्रणव कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल सिलाई केंद्र में सभी इच्छुक महिलाओं को स्वयं आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ सिलाई के साथ जो अच्छा कार्य और प्रदर्शन करेंगे उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं प्रियंका सिलाई सेंटर और सोनम प्रिया सिलाई सेंटर के संचालक प्रियंका कुमारी ने बताया कि जो महिलाएं सिलाई करना या सीखना चाहते हैं वो मेरे यहाँ उन्हें निःशुल्क सिखाया जाएगा। मौके पर उपस्थित संतोष कुमार शाह, पूर्व सरपंच अंबिका शाह, क्रांति कुमारी, निशा देवी, लक्ष्मी देवी, बिंदु देवी, सीमा देवी, ललिता देवी, सिया देवी, बुलबुल देवी, वीना देवी सहित अनेकों महिलाएं मौजूद रहीं। लाइव टीवी समाचार के लिए बेलहर से संवाददाता शैलेश कुमार की रिपोर्ट। आपके नाम से जो मिला सोनम सिलाई महिला सेंटर, क्या कैसे आप कीजिएगा महिलाओं का आत्मनिर्भर, कैसे कीजिएगा? पैसा भी लेना है? पैसा भी लेना है? हाँ, जो दीदी सब रोजगार करेगी। ठीक है, तो जो सोनम प्रिया महिला सिलाई सेंटर है उसमें महिलाओं को अच्छी तरह से स्वरोजगार करने के लिए सिखाइए। ठीक, आपका नाम? प्रियंका कुमारी। ये आपके यहाँ जो है प्रधानमंत्री कौशल योजना का प्रशिक्षण केंद्र खुला जी, आप किस प्रकार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाइएगा? जिस तरह का हमको सहयोग मिलेगा उस तरह हम सब दीदी को शिक्षित सहयोग करेंगे। क्या क्या सहयोग कीजिएगा? सिलाई सिखाने का, और सिलाई सिखाने का और जो सीखी है उससे कपड़ा सिलवाने का। कितने बेच में दीदी को सिखाइएगा ट्रेनिंग? दस दस बेच कर। दस दस बेच कर। कितने दिनों का, कितने दिनों का प्रशिक्षण चलेगा ये? तीन महीने चलेगा। तीन महीने के बाद फिर? उसके बाद फिर नई दीदी का एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, जो दीदी का तीन महीना हो गया जी, क्या उसको जो है प्रशिक्षण समाप्त होने के दौरान क्या दीजिएगा, सर्टिफिकेट वगैरह भी दीजिएगा? हाँ, उनका बाका में एग्जाम हुआ जाएगा, जो फर्स्ट आएगी उसमें मशीन दिया जाएगा, नहीं तो 8,000 रुपये दिया जाएगा उसको, और जो सेकेंड और थर्ड लाएगी उसको कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कुछ सहयोग भी राशि मिलेगा जी, जो इसमें क्या बोलते हैं उसको, सेविका सहायिका जो बन रही है उसमें उनका कुछ वेतन वगैरह है, जैसे जो शिक्षित जैसे शिक्षित है वैसे उसके अनुसार उसका वेतन मिलेगा।